नमस्कार साथियों, मेरे पास कैनन की एक मशीन है, प्रिंटर G2010। तो कैसे इसका हेड है जो पेपर प्रिंट करता है, उसके लिए मैं अंदर से आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रिंट को कैसे हेड अपने अंदर से निकालता है और उस पर अक्सर जो है फोटो जो है छपे आते हैं। मैंने इसके अंदर लगा दिया है एक पेपर, देखिए पेपर है, मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब इसकी करते हैं हम फोटो कॉपी और देखते हैं, पेपर भी मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब हम प्रिंट की कमांड देते हैं और देखते हैं कि हेड किस प्रकार से पेपर की छपाई करता है। सबसे पहले हम ब्लैक प्रिंट देके देखते हैं। मैंने ब्लैक प्रिंट की कमांड दे दी है और पेपर उठा लिया है। ये देखिए छपाई, देखते हैं हेड किस प्रकार से छपता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली तरीके से हेड अपना वर्क करा फटाफट से और ये पेपर इस साइड आ चुका है। ये हमारा हेड होता है जो रोटेट करता है। अब हम इसमें कलर्ड प्रिंट की कमांड देके देखते हैं, कलर्ड वाला। ये देखिए कलर्ड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है छपाई में। ये देखिए छपना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल आराम से जहाँ तक अक्सर छपे होते हैं वहीं हेड वर्क करता है। अनदर वर्क नहीं करता है, लंबे रोटेशन तभी लेगा जब इसके अंदर कोई अक्सर छपा होगा। देखिए पेपर से निकाल दिया है, ये आ चुका है मेरे सामने पेपर। प्रकार से छपाई करता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। आते रहते हैं आपके लिए वीडियो लेके। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कर दें ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।